Hello everyone, hope you all are fine and doing good. So welcome back again. तो आज सुबह का मौसम कुछ ऐसा है और लग रहा है कुछ देर बाद बारिश आने वाली है और मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे वेदर कास्टिंग कर रही हूँ बट नहीं. और टाइम है सुबह के 9:46 और आने वाली है बोलते बोलते आ भी गई. एंड मुझे ना लास्ट कुछ दिनों से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, लाइक कुछ भी नहीं होता है ना कि मोटिवेशन आना ही बंद हो जाता है खुद के अंदर से कि क्या ही बार बार एक ही चीज़ मैं कर रही हूँ. एंड लास्ट के एक दो दिन में मैंने फिज़िक्स का शायद एक चैप्टर कंप्लीट किया था, फिर दिमाग में आने लगा मैं क्यों कर रही हूँ ये, मोटिवेशन आना ही बंद हो गया. सो आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग माई माइंड बट फिर दिमाग में आया ऐसे तो काम नहीं चलेगा ब्रो, यू हैव टू डू समथिंग. तो मैंने सोचा मैं अपने लिए एक रूटीन बना लूँ जो कि मैं फॉलो कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा नहीं बट एक डेढ़ महीने का ही सही. एंड फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में था ब्रेड, ऑमलेट एंड चाय. और ये है AITS वाला रूटीन, आई मीन यकीन 2.0 या 2023 का. और इसमें सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं और इसको देख के मैं अभी अपने प्रेफरेंस वाइज रूटीन सेट करूँगी. मतलब मुझे जो चैप्टर्स डिफ़िकल्ट लगता है उसको मैं फर्स्ट में लिख लूँगी और इजी या जो चैप्टर मुझे आते हैं उनको मैं लास्ट में करूँगी, बिकॉज मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करना है. नहीं तो जो डिफ़िकल्ट है मेरे लिए मैं उनको शायद बार बार ही प्रोकेस्टिनेट करने लगूँगी इसीलिए. एंड द मेन रीज़न मैं इसको इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि एज ए ड्रॉपर मुझे बार बार डीमोटिवेट फील हो रहा है एंड बुक खोलने जा रही हूँ तो मुझे डर लग रहा है. एंड जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लिटरली बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव थॉट्स, मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है मेरे दिमाग में, एकदम खिचड़ी पक चुका है. तो मैंने सोचा चलो एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाती हूँ, ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं और हूँ. और बाकी मुझे लगता है मुझे अपने वीक चैप्टर्स को ब्रशअप करने की ज़रूरत है. जितनी भी नोट्स बनाना था सारा मैंने बना लिया है, जितना भी क्लास अटेंड करना था मैंने वो भी कर लिया है, बट मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. तो मैंने रूटीन जो है अपना बना लिया है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का, और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को मैंने पहले लिख लिया है और जो मुझे आता है उन चैप्टर्स को मैंने लास्ट में लिख लिया है. और कितने दिनों में मुझे कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, कितना टाइम लगेगा मैंने वो भी लिख लिया है सब. मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन का मैंने टाइम लिया है. और इधर कितनी बार मैंने नोट्स रीड किया है, कितनी बार मैंने बुक्स रीड किया है, कितनी बार मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और कितना क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया है, और रिवीजन टाइम मतलब कितनी बार मैंने रिवीजन किया है उसका भी एक कॉलम बना लिया है. और बीच बीच में मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक रिवीजन के लिए डे ऑफ रखा है, सेम फॉर फिज़िक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री एंड सेम फॉर बायो. एंड टेस्ट के लिए मेरे पास एक PYQ ईयर वाइज बुक है, मैं उसको फॉलो करूँगी. और यकीन 2.0 वाला जो टेस्ट सीरीज है मैं उसको अभी तक मैंने यही प्लान किया है मैं उसको फॉलो करूँगी. बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और इतना सारा रूटीन बनाने के बाद मुझे कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था. तो मैंने सोचा एक रैंडम सा चैप्टर उठा लूँ, मैं उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये टॉपिक या फिर ये पोर्शन वीक है तो मैं उसको देख लूँगी बुक से. तो उसके लिए आई एम यूजिंग मेमोनीट ऐप जिसमें आपको मिलेगा 30,000+ क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT इंक्लूडिंग चैप्टर समरी, डायग्राम विद क्रॉस वर्ड, जंबल वर्ड, डायग्राम बेस्ड असेशन, रीजन एंड एवरीथिंग. बिसाइड दिस इन केमिस्ट्री यू कैन हैव फिजिकल फॉर्मूला, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन. इन एडिशन टू दैट इन फिजिक्स यू कैन हैव वीडियो लेक्चर्स, PYQ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेक्शन, एवरीथिंग. ऑल्सो यू कैन हैव शॉर्ट. बट कभी कभी फिजिक्स में ऐसा होता है ना कि हम कोई क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठते हैं और हमें क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता कई बार, या फिर हमें उसका फॉर्मूला नहीं पता, या फिर कॉन्सेप्ट नहीं पता, या फिर कभी कभी हमें उसका प्रोसेस ही समझ में नहीं आता कि कैसे करना है या
हमें उस फाइनल आंसर तक कैसे जाना है, मतलब हम करते तो हैं बट फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते। द इजीएस्ट वे हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट उसका सॉल्व सॉल्यूशन देख लेते हैं और हमें लगता है हमें वो आ जाएगा या फिर हमारा कॉन्फिडेंस वो लो हो जाता है। तो दैट्स व्हाई मिमिनेट हैज कम अप विद अ न्यूएस्ट फीचर इज कॉल्ड क्लूज। व्हेनेवर यू आर स्टक यू विल हैव थ्री ऑप्शंस: क्लू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्लू टू रिमेंबर द फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, क्लू टू डू द मैथ्स और यूनिट कन्वर्शन। दिस क्लूज आर इनडायरेक्ट एंड सॉल्यूशन इज इनडायरेक्टली गिवन, सो यू कैन यूज दिस क्लूज सॉल्व problem and have the feel of you solving the problems of yourself. This triggers understanding and confidence to solve more numericals, notes, podcast, crossword type question, and the most fun part is me. This app having its amazing revision plan where you can practice a question and it will ring notification to you in 3rd, 5th, or 8 days in 7 different level of memorization technique. And if you are preparing for NEET in Hindi, you can practice in Hindi language also, and you can give test also like topic wise, unit wise, subject wise or full length. So what are you waiting for? Use my code MyDesk300 and you can get a 300 rupees off, and all the links in the description. Make sure to check it out. रूम में बैठे रहने से अच्छा बाहर बैठ के बायो का एक चैप्टर में पढ़ लेती हूँ, बट बैठूँ कहाँ, यहाँ पे पूरा पानी पानी है तो मुझे रूम में ही आके बैठना पड़ा। और मैं अभी सेल वाला चैप्टर रीड करूँगी। जितना भी दूसरा कोई आपको मोटिवेट करे ना, बट खुद के अंदर से जब वो नहीं आता है ना तो कुछ भी नहीं होता। हाँ मैं पढ़ रही हूँ या फिर मैं बुक खोलने जा रही हूँ, बट मुझे मन नहीं लग रहा है, मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, तो उसका क्या ही फ़ायदा। और काउंसलिंग करवाते करवाते अगर मौका राउंड तक मुझे जाना पड़ जाए उतने दिन, तब तक 2 से 3 महीना ऐसे ही चला जाएगा और मैं तब सोचती ही रह जाऊँगी मैंने क्या किया। तो थोड़ा थोड़ा सा ही सही, बट इट्स ओके, अभी मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बट बीच बीच में मेरा ये सेल्फ मोटिवेशन कहाँ जा रहा है मुझे खुद भी नहीं। और बाहर थंडर स्टॉर्म स्टार्ट हो गई है जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। पता नहीं मैं कब तक अपना वीडियो शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आके मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, इवन दो आई एम सिटिंग इनसाइड माय रूम। तो ये चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने सोचा था कि मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, बट मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और फिर शाम को मेरी मम्मी ने प्याज के पकौड़े बनाए, जो कि मैं ही बना रही थी, बट उन्होंने बोला बेटा बेटा तुम छोड़ो, तुम जाके बैठी रहो, मैं ही बना देती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू अगेन विद अनदर वन। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।